त्योहारों के सीजन में आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 101 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ती कीमतें आज से लागू की जाएंगी। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1833 रुपए हो गई है। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कोलकाता में 1943 रुपए का हो गया है। मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1785 रुपए और चेन्नई में 1999 रुपए में मिलेगा। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी रसोई गैस सिलेंडर पुरानी कीमतों में ही मिलेगा। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 903 रुपए हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में उछाल के बाद से त्योहारी सीजन में मिठाइयां, होटल का खाना समेत कई चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इससे पहले दिल्ली में 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर 1522 रुपए का बिक रहा था। देखा जाए तो इसके दामों में बदलाव पिछले महीने किया गया था, जब राजधानी दिल्ली में 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर 1731 रुपए में बिक रहा था। बता दें, दरअसल होटल रेस्टोरेंट के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही उपयोग किया जाता है। इससे पहले सितंबर में सरकार ने आम आदमी को राहत देते हुए एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 400 रुपए सस्ता कर दिया था। इसके साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमतें 79 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94 रुपए प्रति लीटर बिक रही है। कोलकाता की बात करें तो इसमें पेट्रोल 106 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है और डीजल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक साल से ज्यादा समय से कोई बदलाव नहीं किया गया है। 21 मई 2022 को आखिरी बार पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव हुआ था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर पर। मेरा नाम है उर्वशी सिंह।